हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, नाउ कंटिन्यू द चैप्टर आर्मेरो डिसअपीयर्ड फ्रॉम द मैप। तो देखिए, अभी तक हमने क्या देखा कि 10:13 PM पर आर्मेरो के जो मेयर थे वो अनाउंस करते हैं कि बहुत पानी की रफ्तार तेज़ है। फिर देखें आगे क्या होता है। सम वर अवेकन्ड बाय द हैवी रेन एंड सैंड ऑन द रूफ, सो अदर्स हर्ड द नॉइस ऑफ द शाउटिंग आउटसाइड फ्रेंटिकली। दे कॉल देयर चिल्ड्रन एंड फैमिली मेम्बर्स आउट ऑफ बेड। तो देखिए, बहुत ज़्यादा हौसपौस हो जाता है, मिट्टी घर के अंदर आने लगती है, छत पे आने लगती है, शोर शराबा होता है और सब लोग कोशिश करते हैं कि अपने अपने बेड पे से बाहर निकले। द लाइट सडनली वेंट अप और रोशनी जो है ना चली जाती है, बिजली चली जाती है। पीपल वर बैंगिंग एंड किकिंग द डोर्स एज दे शाउटेड द लिगुनीला is coming, run run, the water is upon us, the volcano is coming। तो सभी लोग दौड़ने लगते हैं कि देखो भागो भागो, पानी यहाँ पे आ रहा है, पानी आ रहा है, volcano विस्फोट हो रहा है। थाउजेंड रस्ट आउट ऑफ देयर होम्स, कार्स, मोटरसाइकिल्स एंड ट्रक्स रेस्ट मैडली थ्रू द स्ट्रीट्स, हॉर्न्स ब्लोइंग, हेडलेस ऑफ द पीपल्स इन देयर वे, मैनी वर रन डाउन बिफोर द बॉल ऑफ मर्ड स्ट्रक, इट वॉज टोटल पैनिक। सब लोग अपनी गाड़ी ट्रक जिससे भी हो रहा था भाग रहे थे बहुत तेजी से, बहुत बड़ा पैनिक था, एक डर था। इन द डार्कनेस ऑफ द अप्रोचिंग एवलांच मेड अ टेरिफाइंग नॉइस लाइक टू जंबो जेट लाइन्स कमिंग इन अ लो। तो ये डार्कनेस थी, अप्रोचिंग डार्कनेस बहुत लोगों को डरा रही थी। द चर्निंग मास क्लिम्ड ओवर द रिवर बैंक्स रोज हायर देन द हाउसेस एंड स्वेप्ट स्ट्रेट डाउन द थ्रू द सेंटर ऑफ टाउन, सो एवरीथिंग वॉज एनग्रुप्ड स्विफ्टली कैरीड अवे। जो लोग ऊपर थे वो बच गए थे, बाकी जो उनके रास्ते में, जो मड के रास्ते में आया वो सब बह के चला गया। चिल्ड्रन वर रिप्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स आर्म्स एंड बरीड इन द मड और कैरीड हेल्पलेसली अवे टू देयर डेथ। जो रास्ते में पड़े बच्चे जरूर उनके पेरेंट्स से चिपके हुए थे, लेकिन वो छूट जाते हैं, पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं और मड में दफन हो जाते हैं। फाइनली इट वॉज ऑल ओवर ऑन द एरी साइलेंस एंड इंकी ब्लैकनेस रिमेंड। अंततः सबको शांत हो जाता है और एक अजीब सा नीला आसमान छा जाता है। जॉर्ज कैस्टिला सेफ ऑन अ फार्म ऑन द आउटस्किर्ट्स ऑफ आर्मेरो सेड ही कुड फील एटमोसफियर ऑफ द डेथ इन द नाइट। तो जॉर्ज कैस्टिला जो है ना बचता है और वो पूरा उस एटमोसफियर के बारे में बताता है। सर्वाइवर्स, ओल्ड पीपल्स, यंग पीपल्स वर कमिंग अप आउट ऑफ द मक, और फिर जो सर्वाइवर थे, जो बचे हुए थे, वो वापस निकल के आते हैं। मैनी ऑफ देम इंजर्ड, दे लुक लाइक जॉम्बीज एज दे वॉकिंग देयर स्ट्रीट्स, दे गेज्ड एट यू विद इन अ ब्लैंक स्टेयर। सब लोग बिल्कुल भौंचक्का रह गए थे, चौकन्ने थे कि क्या कुछ हो गया है। दे आस्क्ड फॉर वाटर, नथिंग मोर, इट वॉज हॉरिबल। वे पूछ रहे थे कि क्या पानी ने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा डरावना मौसम माहौल था। एज मॉर्निंग डॉन्ट अलोन क्रॉप डस्ट सर्वेड द वैली बिलो द सर्वेयर कुड हार्डली बिलीव दिस आइस। सुबह होती है, सर्वे करने वाले आते हैं क्लोज टू द माउंटेन्स साइड, वी आर थ्राइविंग आर्मेरो शुड हैव बीन, देयर वॉज just an immense expanse of a gray mud with hundreds of bodies, animals and humans floating on the surface. तो देखिए, जब सर्वे बात आते हैं तो मड में कई सैकड़ों जानवरों की लाशें, आदमियों की, और बहुत सारे जीव जंतु वहाँ पर मिलते हैं। मड में बहुत सारे घर ढहे हुए मिलते हैं। He reported the town is just an enormous beach with only a few houses still standing. केवल कुछ ही घर बचे हुए थे। पीपल कैन बी सीन इन द ट्री टॉप्स ऑन वॉल एंड ऑन द हिल साइड, लोगों को देखा जा सकता था पेड़ों पर चढ़े हुए और पहाड़ियों पर बैठे हुए। सम सर्वाइवर्स कुड बी सीन आउट देयर बरीड टू द नेक एंड क्राइंग फॉर हेल्प अनेबल टू मूव। कुछ अभी भी दफन थे, चिल्ला रहे थे, गर्दन तक जो है ना मड में दबे हुए थे। दोज ऑन द एज ऑफ द मोरेस वर ट्राइंग टू डिस्परेटली टू रीच द क्लोजली नियर बाय, लेकिन बहुत कुछ लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे। यूजिंग प्लैंक्स एंड सक्सेसिड इन स्वेइंग अ फ्यू,
कोशिश कर रहे थे बचाने की, कुछ लकड़ी के तख्ते वगैरह डाल करके, कुछ लकड़ी डाल करके, सम वेंचर्ड इन टू द मक बट देन हैड अ रिट्रीट एज दे बिगेन टू द सक डाउन। कुछ लोग कोशिश कर रहे थे लेकिन डर के मारे के वो भी उसमें दलदल में न समा जाए, नहीं कर पा रहे थे। अ रेस्क्यूअर ट्राई टू ड्राइव अ ट्रैक्टर इन टू हेल्प। तो जो रेस्क्यूअर था, बचाव कर्मी था, सुरक्षा कर्मी था, उसने ट्रैक्टर को भी उतारा, बट विद इन 3 yards, लगभग 3 yards की दूरी पर ही द ट्रैक्टर वॉज सक्ड अंडर, उस मड में समा गया। 6 weeks आफ्टर द ट्रेजडी आई विजिटेड द साइट अगेन। तो राइटर कहता है कि 6 सप्ताह बाद उस ट्रेजडी के बाद मैं वहाँ विजिट पर गया। वेयर अ टाउन यूज टू बी देयर इज नाउ अ ग्रे, अब वो पूरी तरह से ग्रे वाइट बोल्डर इस्ट्रो बीच, एक पूरी तरह से एक ऊबड़ खाबड़ बीच बन चुका था। इन द शेप ऑफ द एनॉर्मस पेन टेस्ट मैनी टू द फरी ऑफ नेचर, ये पूरी तरह से नेचर का एक जो जिसको कहते हैं कि इरिटेशन था। ओके, इट इज़ एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।